हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ मूंगफली की नमकीन को घर पर बनाने की रेसिपी। मूंगफली की नमकीन बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं मूंगफली लगभग एक कप, बेसन दो बड़े चम्मच, चाट मसाला एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा से एक चम्मच, इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लें, चीनी एक चौथाई चम्मच, नींबू लगभग एक नींबू का रस हमें चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए पानी और तेल हमें चाहिए मूंगफली नमकीन को डीप फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम मूंगफली एक बड़े बोल में लेते हैं, ये कच्ची मूंगफली हैं, भुनी हुई नहीं है। इस पर हम एक बड़ा चम्मच पानी का इस तरह से डालकर इसको थोड़ा सा भिगो लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, ये सिर्फ थोड़ा गीला हो जाए। अब हम इसमें बेसन मिला लेते हैं, चाट मसाला इसमें साथ में मिला लेंगे, साथ ही इसमें हम बाकी के मसाले मिला लेते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मिला लें, एक चुटकी इसमें चीनी डाल लेते हैं और एक नींबू का रस इसमें ऊपर से डाल देंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि ये सारा मसाला और बेसन मूंगफली के दानों पर कोट हो जाए। अगर ये मिक्सचर बहुत ही सूखा लगता है तो इसमें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी मिला लेंगे। यहाँ पर दो चम्मच पानी ऊपर से और मिलाया है जिससे कि मिक्सिंग थोड़ा इजी हो जाए और सारा मसाला मूंगफली के दानों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये मसाला थोड़ा सा गीला है, इसे बहुत गीला हमें नहीं करना है, बस अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इसी बीच हम तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं डीप फ्राइंग के लिए। डीप फ्राइंग के लिए मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल, अपनी पसंद से कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तेल को हमें हाई फ्लेम्स पर गर्म करना है और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें इस तरह से दो या तीन मूंगफली के दाने डालकर देखें। अगर ये एकदम से सिकने लगते हैं, ऊपर आने लगते हैं, तो इसका मतलब तेल तैयार है मूंगफली का नमकीन फ्राई करने के लिए। अब हम इसमें जो हमने मूंगफली और मसालों का मिक्सचर तैयार किया है इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते हैं। ये फ्लेम्स हम मीडियम हाई रखेंगे, इसे लो नहीं करना है और ये थोड़ी देर में अपने आप ही अलग अलग हो जाते हैं मूंगफली के दाने। हल्के हाथ से हम इसे थोड़ा थोड़ा अलग कर लेंगे और इसे हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेते हैं। हमें इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है क्योंकि मूंगफली कच्ची है तो इसे सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मूंगफली को अच्छी तरह से कुरकुरा होने तक हम सेक लेंगे। अब ये देखें, ये बिल्कुल लाल हो चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर है। अब ये मूंगफली का नमकीन अच्छी तरह से सिक चुका है। अब हम इसे निकाल करके एक तरफ रख लेते हैं, सोकिंग पेपर के ऊपर या फिर न्यूज़पेपर पर भी रख सकते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा तेल एब्जॉर्ब हो जाए। मूंगफली का नमकीन जब थोड़ा सूखने लगता है इसे हम एक बोल में ले लेंगे जब इसमें एक्स्ट्रा तेल ना रहे। और अब हम इसमें एक चम्मच चाट मसाला मिला करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो चाट मसाले की जगह अपनी पसंद के और भी मसाले मिला सकते हैं। और अब ये मूंगफली की नमकीन बिल्कुल तैयार है, इसे आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी मसाला मूंगफली नमकीन की रेसिपी। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लीव अ थम्स अप, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।